अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ काजी मेहरा डैम के ऊपर। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, वेलकम बैक करता हूँ आपको अपनी एक नदर वीडियो में। तो आज आपका भाई मौजूद है जी, आज का व्लॉग होने वाला है काजी मेहरा डैम के ऊपर। तो आज आपको काजी मेहरा डैम का सारा विज़िट करवाएँगे और शाम के टाइम का सारा नज़ारा दिखाएँगे आपको। तो आए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले आ रहा था ठीक है, ये पानी का निशान भी लगा हुआ है और उसके बाद वो पानी, वो निशान लगा हुआ ठीक है, सारा पानी वहाँ तक जाता था। लेकिन अब पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और देखते देखते जो है ना ये पानी बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा, सूख जाएगा। ये पानी कम होने की वजह से, बारिश ना लगने की वजह से ये देखें सारा पानी इसमें से सूखता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे एक महीना गुजरेगा तो ये पानी बिल्कुल ही कम रह जाएगा, बीच बीच में सेंटर वाली जगह पर रह जाएगा। इस पानी में जो है ना बहुत सारे लोग डूब के फोत हुए हैं, ये पानी है खतरनाक है। मैं ज्यादा नीचे नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है नीचे जाते हुए तो आपके लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये देखें ये सारा पानी यहाँ तक आता था, ये सारा निशान लगे हुए हैं पानी के, ये देख लें यहाँ से तब स्लिप वाले हुए हैं। तो कहीं मेरा पाँव ही ना स्लिप हो जाए, तो फिर भी मैं आपके लिए जा रहा हूँ नीचे। तो ये आप देखें, बस इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, इसके आगे आपको हमारा कैमरा ही दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जी, काजी मेरा डैम है। तो कैमरामैन आप इनको सारा विजिट करवाएं डैम का, कैमरामैन ये देखें जी कितनी खूबसूरती है इस डैम में। जी तो ये आपका भाई आपको काजी मेहरा डैम के मनाजर दिखा रहे हैं शाम के टाइम के, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। और जैसा कि मैंने सुना है कि ये डैम बंदे को अपनी तरफ खींचता है, क्या ये बात सच है। अगर मेरा कोई जानने वाला ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट में मुझे बताना कि काजी मेहरा डैम की ये बात सच है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना इस डैम में डूब के फौत भी हुए हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ अपनी वीडियो को एंड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।